स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्लेम फोटोमीटर से सोडियम और पोटेशियम एनालिसिस कैसे किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तो एनालिसिस करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो जो जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं तो प्रयास कीजिए कि उसका जो प्रिंसिपल्स हो, ये प्रिंसिपल्स का एक सामने में बोर्ड रखिए और साथ साथ में इसको ऑपरेटिंग कैसे किया जाता है इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है तो वो भी सामने रखिए, ताकि आपको बीच में कोई बाधाएं नहीं आएंगी और आराम से आप एनालिसिस कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं थोड़ा एक इंस्ट्रूमेंट का भी आपको इंट्रो दे देता हूँ। ये कंप्रेसर है और ये हमारा फ्लेम फोटोमीटर है। कंप्रेसर का काम है, जो वाटर सैंपल्स से हम लेते हैं वो वाटर सैंपल्स को सक करता है और सक करने के बाद इसके अंदर में इग्निशन होता है और इग्निशन से ये वाटर वेपर में बदलता है और वेपर जो है बाद में प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, फ्लेम फोटोमीटर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट गैस कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रयास कीजिए कि सबसे पहले गैस कनेक्शंस फ्लेम फोटोमीटर को दे दीजिए। फ्लेम फोटोमीटर को गैस कनेक्शन देने के बाद में हम कंप्रेसर ऑन करेंगे। कंप्रेसर ऑन करने के बाद फ्लेम फोटोमीटर ऑन करेंगे। फ्लेम फोटोमीटर ऑन करने के बाद 0.75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर सेट करेंगे। प्रेशर सेट करने के बाद फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट को हम कैलिब्रेशन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले सोडियम का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो सोडियम के कैलिब्रेशन के लिए सबसे पहले हम 100 ppm का सॉल्यूशंस लेंगे और इसे फिर 40 ppm का सॉल्यूशंस लेंगे। तो आइए उसको कैलिब्रेशन कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से ये ट्यूब निकाल दिया। पूरा फेस सहित लीजिए ना, फेस सहित। सबसे पहले मैंने ये ट्यूब निकाला और इसके यहाँ पर सबसे पहले मुझे सोडियम सेट करना है। तो मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स में एंटर क्लिक किया। सैंपल जनरल आने के बाद सैंपल सिलेक्शंस के लिए बोलता है। सैंपल सिलेक्शंस में जैसे ही ईएलई आता है और सोडियम पे ये ब्लिंकिंग होने लगता है, तो सोडियम पे जैसे ही ब्लिंकिंग होगा तो अगेन मैं इसे इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद इसमें क्लीन ऑप्शन आता है। क्लीन का मतलब है कि मैं इसमें डिस्टिल वाटर दिया हूँ और ये डिस्टिल वाटर्स में कोई भी कैटायन एनायंस नहीं होता है, जिसके कारण से डिस्टिल वाटर से ही ऑलरेडी हमेशा क्लीन करना है। तो ये ऑटोमेटिक सेट कर रहा है और धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ के आउटलेट के थ्रू बाहर आ जा रही है, ताकि हमारे एनालिसिस में कोई एडवर्स इफेक्ट ना आ पाए। आइए, क्लीन होने के बाद में मैंने यहाँ इंटर कर दिया तो अगेन इंस्ट्रूमेंट्स होल्ड ऑप्शन दिखाता रहता है। होल्ड ऑप्शंस दिखाने के बाद मुझे कुछ देर ब्लैंक मांग रहा है, तो अगेन मैं इसे इंटर करूँगा तो अगेन ये होल्ड ऑप्शंस आएगा। देन वी हैव टू वेट, हमको इंतज़ार करनी है जब तक ये रेफरेंस वन नहीं मांगता है। तो हमें वेट करना है रेफरेंस वन मांगने का। इंस्ट्रूमेंट्स ने रेफरेंस वन मांगा, तो सबसे पहले मैं ट्यूब निकालूंगा और ट्यूब निकालने के बाद इसे रेफरेंस वन 40 ppm दे दूंगा। तो यहाँ 40 ppm देने के बाद में यहाँ मैं फ्लेम में देखूंगा कि फ्लेम में ये कलर चेंज हुआ कि नहीं। यदि जो कलर चेंज हो गया मतलब सक्शंस आपका सही हो रहा है। देन अगेन मैं यहाँ पर इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद ये अगेन होल्ड ऑप्शंस बताएगा मुझे 40 ppm इसे रेगुलर देते रहना है जब तक ये क्लीन ऑप्शन दोबारा ना मांग ले। तो मुझे वेट कर रहा है यहाँ पर। अगेन ब्लैंक मांगा तो फिर मैं सैंपल्स निकाला, इसे टिश्यू पेपर से वाश किया ताकि डिस्टिल वाटर कॉन्टामिनेट ना हो पाए। फिर अगेन मैं इसे डिस्टिल वाटर में डाला और ब्लैंक ऑप्शंस दे दिया। अगेन इंस्ट्रूमेंट्स होल्ड ऑप्शंस दिखा रहा है और कलर भी आप देख रहे होंगे कि कलर भी ये पूरा फ्लेम इसका ब्लू हो जा रहा है।
ये रेफरेंस टू मांग रहा है, तो अब मैं फिर अगेन इसे निकालूंगा, ट्यूब को ऐसे वास करूंगा और रेफरेंस टू में 100 ppm इसका सॉल्यूशन दूंगा। 100 देने के बाद अगेन आप देख रहे होंगे कि फ्लेम में काफ़ी चेंजेस हो जा रहा है। तो ये मैं इंटर कर दूंगा। तो फिर मुझे अगेन वेट करना है, यहाँ पर होल्ड ऑप्शंस आ रहा है। अगेन इंस्ट्रूमेंट्स ने ब्लैंक मांगा, फिर मैं इसे थोड़ा टिश्यू पेपर से वॉश कर लूँगा और फिर इसे डिस्टिल वाटर में दे के एज ए ब्लैंक इंटर कर दूँगा। फिर ये ब्लैंक सक करेगा और अगेन इसका कलर वापस ब्लू कलर हो जाएगा। फिर इंस्ट्रूमेंट्स ने सैंपल मांगा, फिर मैं ये डिस्टिल वाटर से निकालूँगा और इसे सैंपल दूँगा। सैंपल्स देने के बाद यहाँ इंटर बटन दबाना है, फिर मैंने इंटर बटन दबाया। अगेन इंस्ट्रूमेंट्स ने होल्ड दिखाया और यहाँ पर कलर चेंजेस आपको वीडियो में दिख रहा होगा। डी फेस आया, अगेन इंटर करना है और अगेन इंटर करने के बाद 4.5 ppm यहाँ रीडिंग आ गया। तो दोस्तों आपने देखा कि हम लोगों ने अभी सोडियम का एनालिसिस किया, तो सबसे पहले इसे कैलिब्रेट किया 40 ppm से और 100 ppm से। कैलिब्रेट करने के बाद सैंपल्स लिया और सैंपल को एनालाइज किया। ये इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट ppm में वैल्यू दिखाता है। तो साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि शायद आपको आगे के काम करने में काफ़ी सुविधाएं होगी। और ऑपरेटिंग हर एक इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग होता है, वो आप प्रोसीजर मैनुअल फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।